फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो होना था, मैंने तो वैसे रूटीन बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई सुबह सुबह मेरे से कुछ नहीं, मतलब नींद में मेरे से मोबाइल उठाया ही नहीं जाता, मतलब लाइक नहीं उठाया जाता है। तो आज का व्लॉग कुछ शाम से स्टार्ट हो रहा। मैं स्कूल से आई हूँ और अभी हो चुके हैं 3:30-4 होने वाले, और मैं 2 बजे 2:30 बजे जो है स्कूल से आई थी। तो चलिए आज का मैं आपको अपना सारा व्लॉग दिखाती हूँ कि मैं आज के व्लॉग में क्या क्या करूँगी। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल शाम हो रही और धूप जाने ही वाली है। वो देखिए गाइस, मैं आपको छत पे जाके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं छत पे तो आ चुकी हूँ, लेकिन छत से जो है अभी धूप बिल्कुल भी नहीं गई है। मैं आपको दिखा गाइस, आप देख सकते हैं अभी सूरज बिल्कुल सामने है और बिल्कुल भी जो है आप धूप नहीं गई। अभी सूरज देखिए सामने और यहाँ पे धूप धूप भी है। तो ये है गाइस मेरी छत, आप लोगों ने देख ली है, और मैं भी आपको अपना जो है मोहल्ला भी दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरा घर है, ये कुमैल लोगों का घर है, कायम लोगों का, और ये हमारा मोहल्ला है। तो गाइस चलिए अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमारी गैस खत्म हो गई थी, तो हम मेरी मामा ऊपर आई हैं चाय पापा से पकाने। पापा, तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे मामा मेरी चाय पका रही हैं। ये देखिए गाइस, ये मेरी मामा ने पराठा बनाया है। शाम शाम को कौन चाय पराठा खाता है भाई, मेरे पापा खाते नहीं गाइस। वैसे आज मेरे पापा जो है ना कहीं गए हुए थे, किसकी डेथ हो गई थी हमारे दूर में कहीं, तो आज मेरे पापा को दिन को नहीं रोटी खाई, तो अभी दिन नहीं आया, 3 बजे हैं, तो जो अभी मेरे पापा अब रोटी खा रहे हैं। अभी जो है मैं पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। और ये देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान, और ये हमें याद करने शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज। ये गाइस सर सैयद अहमद खान है, ये फातिमा जिना है, आप सब लोग को पता ही होगा, ये मीनार पाकिस्तान है, ये कौन है गाइस, ये इनका मुझे नहीं याद आ रहा। तो ये इलामा इकबाल है, और ये है द हीरो, मैं हूँ हीरो। तो ये है जी कायदे आजम, लीडर ऑफ पाकिस्तान। एंड अभी हम इनको छोड़ते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, और मैं आप सब लोग को मिलती हूँ पढ़ पढ़ छड़ छड़ के। और तब तक मेरा मोबाइल भी बेचारा चार्ज हो जाएगा, फुल हो जाएगा, इसका भी एनर्जी नहीं है कि मैं बक बक ज़्यादा सुने। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के, और तब तक मैं पढ़ लूँगी, और फिर आपको मैं बाकी का अपना आज का दिखाती हूँ शाम की रूटीन। तो गाइस जो है मैंने पढ़ लिया था, और अभी जा रही मैं कायम के पास, देखती हूँ कि अगर वो उठा हुआ है तो मैं आप सब लोग से भी मिला दूँगी उसको। वैसे वो पहले आया था तब, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी और मेरा और सर में दर्द हो रहा था। तो ये आपको हमारा घर नज़र आ रहा है, वो कायम का है। तो चलो चलते हैं कायम के घर। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कायम जो है सोया हुआ था, तो अभी हम वापस जाते हैं अपने घर, क्योंकि कायम तो है सोया हुआ। तो गाइज मैं हो रही थी बोर, तो मैं आ गई छत पे सनसेट देखने। चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ सनसेट, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइज अप्रोक्स सनसेट हो ही चुके हैं, और वो देखिए वो है हमारा सन, और वो हो चुका है सेट, और मून भी कुछ निकल ही चुका है। वो देखिए मून और सन को गाइस अगर आपने इकट्ठे कभी देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने काफ़ी बार देखा कि शाम हो रही होती है, यहाँ से जो है मून जा रहा होता है और वहाँ से जो है सन आ रहा होता है। और गाइस मेरी आंखों के आगे जो है ना अभी जो सन था वो अभी थोड़ा ऊपर था, और अभी जो है ना वो नीचे नीचे जाए जा रहा है। और गाइस मैं इतनी डेंजरस प्लेस पर बैठी हूँ, ये देखे मैं ऐसे यहाँ पर बैठी हुई थी ऐसे ऐसे,
और मेरे पापा अभी वहीं पे है, और मेरे पापा ने मुझे देखे ना कि मैं ये काम करूं, मेरे पापा ने मुझे करना मतलब मुझे मारना तो नहीं है। अरे अल्लाह मेरी चप्पलें कहाँ गई, ये तो बता रही थी। अरे ये रहे। गाइस मैं किसी की ब्लॉग बना रही हूँ, सॉरी फॉर दिस, अगर वो देख रहा है, नहीं देख रहा होगा, उसने मेरा ब्लॉग देखना है, उसको और कोई काम नहीं है कि वो मेरा ऐसे पागलों वाले फ्री ब्लॉग देखे। हाय अभी तो मेरा मोबाइल नीचे गिर जाता, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। काम पे जो होते थे, ये जो आपको पौधा दिख रहा है ये शतूत है, और ये इतना बड़ा था कि वो जो आपको पौधा दिख रहा है उसको भी क्रॉस करता था, बट हमने इसको कर दिया कट। ये देखें हमने इसको कट कर दिया, और इसका छोटा सा एक पौधा और जो है निकल रहा है। और यहाँ पे ना ये जो आपको दिख रहा है ना जामुन, ये बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब लाइक ये जो वॉल है ना ये बड़ी वाली, इसको भी क्रॉस करना था। ऐसा आप देख सकते हो उसकी ये, और ये भी पैदा हो रहा है, मतलब हमने इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ रहने नहीं था, दोबारा पैदा हो। और हमने काटा इसलिए था क्योंकि बहुत पत्ते गिरते थे और बहुत शतूत गिरते थे इसमें से, और लोग फिसल फिसल के नीचे गिरते थे, और बहुत बीज वगैरह भी आते थे। और ये जो हमारा अनार का पौधा है, और ये थोड़ा सूख चुका है, बट इसमें अनार भी लगते हैं और हम खाते भी हैं। और ये जो है ये पबरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपकी जबान में इसको क्या बोलते हैं जो चटनी में डलती है। हमारी जबान में तो भाई इसको पबरी बोलते हैं, और इसके फ्लावर्स भी हैं, इसके फ्लावर्स से मैंने एक शॉर्ट भी डाली होगी। गाइस यहीं पे होता है मेरा ब्लॉग खत्म, और गाइस मैंने होमवर्क वगैरह थोड़ा सा मेरा रह गया था, तो वो मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। आप जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे ब्लॉग भी डेली अपलोड करना होता है, तो दैट इज़ अ टफ बेस्ट वर्क फॉर मी कि ब्लॉग बनाओ अपलोड करो और डेली करो, दिस इज सो टफ। बट मैंने ये स्ट्रीक बनाई है कि मैंने कभी भी ब्लॉग को स्किप नहीं करना है, कोई ज़्यादा मजबूरी हो कर घर से बाहर जाऊँ तो, लेकिन घर से बाहर भी जाऊँगी तो नेट होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल, तब तक के लिए पुश यू पांच।